Hello guys, welcome to my YouTube channel, and in this video we will be talking about the unboxing of MI Notebook Pro 16GB i5 version. So इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमें इन द बॉक्स MI Notebook Pro के साथ क्या क्या आता है. और ये जो मैंने लैपटॉप लिया है ये Amazon से लिया है और अंडर क्रेडिट कार्ड ऑफ़र और अभी जो रिसेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे ऑफ़र चल रहा है उसके अंडर मुझे ये 54,999 पे मिला है. सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर रिड्यू वी विल स्टार्ट द वीडियो. ओके, तो सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे. तो अनबॉक्सिंग में ये इस टाइप के बॉक्स में आया है. अब वैसे तो ये बॉक्स मुझे बाहर से थोड़ा सा प्रेस लग रहा है, बट स्टिल इसे खोल के देखेंगे हम क्या है अंदर और क्या हमारा प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है उसमें कुछ डैमेज हुआ है, क्योंकि बाहर से अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा मुझे प्रेस्ड लग रहा है. तो ये रहा हमारा लैपटॉप का ओरिजिनल ड्राइव. ओके, अंदर जिस तरह से आप देखोगे ना यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये थोड़ा सा प्रेस लग रहा था, जैसे कि इसके ऊपर कोई लोड डाला है. बट हाँ, होपफुली ये जो मेन बॉक्स है मेन बॉक्स के ऊपर तो कोई ऐसे विजिबल डैमेज नहीं है. यहाँ पे नोटबुक प्रो के बारे में इन्होंने डायमेंशन दिए हैं जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो. अब इसका स्पेसिफिकेशन आई थिंक बॉक्स पे ही कहीं पे लिखे होंगे. यस, ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन अगर आप देख पा रहे हो तो i5 1113H आयरिस ग्राफिक्स कार्ड दिया है, 16GB का रैम और 512GB का यहाँ पे SSD वाला लैपटॉप मैंने ऑर्डर किया है. अब बॉक्स को खोलेंगे. ओके, ओके, सबसे पहले तो यहाँ पे एक मुझे पहले बुकलेट मिला है. ये बुकलेट में आपको सारी चीज़ों का जानकारी मिल जाएगा, एक यूज़र मैनुअल छोटा सा. चलो पहले से हम बाजू में रखते हैं और ये बॉक्स के साथ हमें और क्या क्या मिला है वो देखेंगे. तो ये एक मुझे इस तरह से ब्रिक मिला है. अब इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या है. इसके अंदर ऑब्वियसली चार्जिंग अडाप्टर आपको दिख रहा है, ये रहा चार्जिंग केबल. और ये रहा चार्जिंग अडाप्टर ब्रिक. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो रेटिंग दिया है वो 20 वोल्ट और 3.25 एम्पीयर का. अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये जो अडाप्टर है ये 65 वैट का अडाप्टर है. तो इसके रिलेटेड जो भी चार्जिंग का टेस्ट है वो हम बाद में करेंगे. तो अभी हम बाकी चीज़ें साइड में रखते हैं. तो और इसके अलावा तो बॉक्स में बाकी कुछ मुझे दिख नहीं रहा है. अब हम देखेंगे लैपटॉप को. ओह माय गॉड, सबसे पहले जो ये लैपटॉप हाथ में लेते ही जो जो फील आ रहा है, जो ये नॉर्मल जो हम लैपटॉप लेते हैं इस रेंज में 50 to 60 thousand में, उसमें आपको मैक्सिमम लैपटॉप जो है वो फाइबर बॉडी मिल जाते हैं, प्लास्टिक बॉडी या फाइबर बॉडी. बट इस रेंज में अब जितने भी चाइनीज ब्रांड है इंक्लूडिंग MI, तो ये एल्यूमिनियम लैपटॉप दे रहे हैं. ओह माय गॉड, अगर आप लैपटॉप देखोगे तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसके साथ रिसेंबल होता है. बट यस, अगर आपने प्रीवियसली मैकबुक अगर आपने हैंडल किया हो या अगर आप मैकबुक के ऊपर काम कर चुके हो तो सेम आपको ये मैकबुक वाली फील दे रहा है. एकदम प्रीमियम एल्युमिनियम फिनिश है. यहाँ पे इन्होंने ये कूलिंग के लिए वेंट दिया है और ये यहाँ पे कुछ ये रबर पैड्स है जो एज अ स्टैंड काम करते हैं.
तो अभी इसे हम खोलते हैं। जो हिंजेस है वो हिंजेस की क्वालिटी भी आपको यहाँ पे ना पहले ओपनिंग में फील होती है, क्योंकि जनरली मैंने इतने इस प्राइस रेंज में इस जैसा हिंज तो अभी तक तो नहीं देखा है। चलो, ओ भाई, ये जो प्रीमियम लुक दे रहा है ना ये लैपटॉप, ये अभी तक मैंने किसी भी 60,000 के लैपटॉप में ये प्रीमियम लुक नहीं देखा है। तो हाँ, अगर आपको ऐसा कोई लैपटॉप चाहिए जो आपको 60,000 के अंदर एक अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन का और प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी का अगर लैपटॉप चाहिए, तो ये लैपटॉप मैं बोल सकता हूँ कि एक बेहतरीन लैपटॉप है। अब इसे पावर ऑन करते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो स्क्रीन है 14 इंच का स्क्रीन है और ट्रैक पैड भी थोड़ा सा बड़े साइज का दिया है, और ट्रैक पैड पे अगर आप मैं दबाता हूँ ना तो क्लिकीनेस भी ठीक ठाक आ रहा है। और अगर आप बटन देखोगे तो यहाँ पे 14 इंच के हिसाब से कीबोर्ड भी सही है, बटन का साइज भी सही है, और जो इन्होंने स्पेसिंग दिया है ये स्पेसिंग भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है। या जो एक मैकेनिकल क्लिकीनेस साउंड जो दे रही है ना, इससे पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम फील आपको दे रहा है। अब यहाँ पे ये जो है पावर बटन, ये पावर बटन में इंटीग्रेटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और यहाँ पे कैमरा दिया है। और अगर आप देखोगे तो जो स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, ये स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे कितने पोर्ट्स हैं इसमें। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शाओमी की ब्रांडिंग दी है। नीचे के साइड में ये इस तरह का सिर्फ एक ग्रिल दिया है कूलिंग के लिए। अगर आपने राइट साइड में देखा तो राइट साइड में सिर्फ एक आपको यूएसबी पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक यहाँ पे मिलेगा। और अगर आपने यहाँ पे देखा लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में दो USB-C पोर्ट मिलेंगे, और जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है तो दोनों भी हमें यहाँ पे चार्जिंग के लिए अवेलेबल मिलते हैं। बट यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको दिखेगी, यहाँ पे आपको नॉर्मल चार्जिंग दिखेगी। एक HDMI पोर्ट है और यहाँ पे वापस से माइक्रो USB का पोर्ट। अब एक चीज़ मुझे मिसिंग लग रही है, वो है SD कार्ड रीडर। जनरली इस प्राइस रेंज में आपको 14 इंच में भी SD कार्ड रीडर मिल जाता है, बट इसमें आपको नहीं है। तो इसके लिए आपको सेपरेट HDMI अडाप्टर या USB अडाप्टर उसके लिए लेना पड़ेगा। तो अभी तो आई डोंट थिंक इसमें चार्ज है, तो मैं इसे चार्ज करता हूँ, बूटअप करता हूँ, और फिर मैं आपको इसका रिव्यू आगे आने वाले दिनों में बताऊँगा। बट हाँ, अभी जो आपने इसकी अनबॉक्सिंग देखी है, ये अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ कमेंट फॉर मोर सजेशन। और आपको इस लैपटॉप के बारे में कौन कौन सी चीज़ें जाननी है इसके रिलेटेड में मैं फुल वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर यहाँ तक आपने देख लिया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।